नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। इस साल मॉनसून की वजह से राज्य भर में औसत से ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से सूबे के अधिकतर जिले बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं और अभी भी राज्य भर में मॉनसून सक्रिय है, जिसकी वजह से पिछले दिनों राज्य के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी लोगों की परेशानी बना हुआ है। बीते दिन राजधानी पटना सहित कई इलाकों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, लेकिन फिर भी उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग की माने तो आज अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग पटना के अनुसार हिमालय की तलहटी के साथ साथ समुद्र तल पर मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी छोर अभी भी जारी है। हालांकि मॉनसून ट्रफ समुद्र तल पर अब गंगानगर, अलवर, ग्वालियर, अंबिकापुर, अंगुल, उत्तर पश्चिम में निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र से होकर गुजर रही है। दक्षिण ओडिशा, उत्तर आंध्र प्रदेश के तट से सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी पूर्व मध्य खाड़ी तक फैली हुई है। पश्चिम बंगाल तट से दूर बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 4.2 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव में आज उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर बिहार के कुछ इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। बिहार के उत्तर पश्चिम बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण की तरफ से आज मॉनसून ट्रफ गुजर रही है, जिसकी वजह से इन जिलों के अधिकतर जगहों पर आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। चलिए अब जिलेवार ढंग से देखते हैं आज यानी 31 अगस्त के मौसम का हाल। आईएमडी पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज अधिकतर जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी आज कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले के कुछ जगहों पर आज बारिश का अनुमान है। अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में आज कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले में कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले में आज कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। विशेष रूप से राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जहां अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।